वेलकम टू सिविलियन वेस। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, ये सीरीज़ का जो है ना, हाउ टू मेजर प्लॉट एरिया वाली सीरीज़ का इंट्रोडक्शन देखा था। और ये वीडियो में पार्ट टू में हम देखेंगे कि बेसिक कन्वर्जन्स, कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। तो मैं ये कंप्लीट कैलकुलेशन के जो 5 पार्ट्स है, इसमें मैं जो यूनिट्स यूज़ करने वाला हूँ वो कॉमन यूनिट्स ही है, फीट है, मीटर स्क्वेयर है और यार्ड है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये सबको क्लियर करने से पहले मैं आपको टेप का इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो टेप आप मेजरमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन एक एक पार्ट आपको वीडियो का बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हमारा मेजरमेंट टेप है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जनरली हर टेप यही बना हुआ होता है। लाइक आप क्लॉथ वाला टेप भी ले लीजिए, रीडिंग्स इसी तरह से होते हैं। तो टेप में मतलब फर्स्ट में आपको नीचे वाला इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले में ये जो फर्स्ट जो रहते हैं सेंटीमीटर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 सेंटीमीटर, ये 11, 12, ये जो हो गए इसी तरह जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर हो गए तो 1 मीटर होता। तो यहाँ पर देखिए 100 पर आके और ये 1 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे में सेंटीमीटर हो गया और ये मीटर। मीटर्स कैसे लिखे होते हैं, हर मीटर पे, जैसा कि 1 मीटर हुआ यहाँ पर तक टेप, तो 1 मीटर होगा। और हम टेप को बड़ा करेंगे तो जब 2 मीटर हो जाएगा तो 2 लिखे हुआ आएगा। यहाँ पर देखिए 2 मीटर पे यहाँ पर 2 लिखा हुआ आया, ओके। नीचे का तो अभी क्लियर है, नीचे सेंटीमीटर्स रहते और मीटर रहता। अब हम देखेंगे ऊपर से क्या रहता है। ऊपर से जो है इंचेस में रहता है, ठीक है। ये जो 1, 2, 3 आपको बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो रफ हो गया, इधर देख सकते हैं आप, जैसे कि 20, 21, ये इंचेस है पूरे। तो इंचेस मतलब इतना होता है कॉमनली इंच, ये देखिए देखिए आप, तो ये इंचेस रहते पूरे। तो अब इंचेस के बाद अब फीट्स कहाँ पर देखेंगे, तो ये हो गया बाद 12 इंचेस का 1 फीट होता। अभी आगे चलकर कन्वर्जन भी देखेंगे आप इसका। यहाँ पर 1 जो दिख रहा है 1 फीट का मतलब है, देखिए 11 इंच था, 12 आने का था तो 1 आ गया। यहाँ पर 12 इंच मतलब 1 फीट हो गया। अब ये 13 से और शुरू हुआ, अब क्या होगा, 24 पे 2 फीट आता, देखिए 23, 24 पे 2 फीट आ गया, ओके। फिर अब यहाँ पर देखिए 3 फीट इधर आ गया, 36 पे 3 फीट आ गया। फिर उसके बाद ये छोटा भी मेंशन करते हैं यहाँ पर इसमें, देखिए अब यहाँ पर 1, 1 दिख रहा, मतलब 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3, 4, 5, 6, तो इसी तरह। अब देखिए अब यहाँ पर 2 लग गया ना, 2 फीट स्टार्ट हो गया, तो 2 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच, 2 फीट 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, तो ये 9 इंच। अब 2 फीट 12 इंच पे 3 फीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 इंचेस का 1 फीट होता। तो इसी तरह पूरा टेप पे होता। तो ये आपको बताने का इसमें मतलब मेन रीज़न ये है कि आगे चलकर हम जो यूनिट्स यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको प्लॉट पर भी मेजर करना है, तो आप किस तरह से मेजर करेंगे। तो मेनली आप फीट, मतलब मैं जो आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप उसमें फीट्स में भी ले सकते हैं या फिर मीटर्स में भी ले सकते हैं। फीट्स में आप लेंगे, आप सपोज मेजर करें आपको इतना आ गया, 1 फीट तो यहाँ ख़त्म हो गया, इतना आ गया, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 1 फीट 4 इंच, तो 1 फीट 4 इंच ले लेंगे आप वहाँ पर लिख कर, फिर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊँगा। तो ये पूरा था टेप का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद कन्वर्जेंस पर देखते हैं। तो कन्वर्जेंस पर जो है मैं फीट, मीटर, यार्ड ये तो बोल दिया आपको यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, जो लोग हम हिंदी में, उर्दू में जो है गज़ बोलते हैं, गज़ का मतलब होता है स्क्वेयर यार्ड, ठीक है। ये एक एरिया का यूनिट है, गज़ मतलब स्क्वेयर यार्ड, ये इतना याद कर लीजिए। जब कभी भी मैं स्क्वेयर यार्ड बोलूँगा आप गज़ समझ जाइए, क्योंकि गज़ कॉमनली हम लोग अपने एरिया में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1, मतलब मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 यार्ड या YD का मतलब डिनोशन से देख लीजिए। चलिए फीट का मतलब है FT से डिनोट करूँगा मैं, या फिर जो भी, अब सपोज 30 फीट है तो 30 या डाल के ऐसा डैश डालूंगा तो आप समझ जाना कि वो फीट है, फीट लिखूंगा। FT भी आएगा कभी कभी, ऐसा भी आएगा फीट। अब मीटर को मैं हमेशा M से डिनोट करूँगा, और मीटर को थोड़े लोग MT भी बोलते हैं, लेकिन ये M वाला स्टैंडर्ड है, बहुत कॉमनली ये यूज़ होता। अब यार्ड को मैं क्या बोलूँगा, YD बोलूँगा। और गज़ तो हम, गज़ एक एरिया का यूनिट है, तो ठीक है। अब स्क्वेयर यार्ड बोलूँगा तो गज़ समझना, और खाली जो है अब यार्ड को क्या बोलते हैं मालूम है, वर्ग बोल के बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर बोलते ही नहीं कुछ उसको। तो स्क्वेयर यार्ड का मतलब है गज़। तो अब यहाँ पर मैं लेंथ वाले यूनिट्स पहले क्लियर करूँगा, ठीक है। जो जैसे इंट्रोडक्शन में मैं लेंथ बताया था आपको, तो लेंथ का यूनिट क्लियर करने के लिए देखिए ये 1 यार्ड है, ओके। तो 1 यार्ड में क्या होता है, 3 फीट्स, 1 यार्ड को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट। तो 1 यार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 फीट, 1 यार्ड के 3 फीट हो गए। तो 1 यार्ड मतलब यहाँ पर हम लोग 1 यार्ड लिख दे, तो 1 यार्ड के 3 फीट हो गए। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट।
अब मीटर की बारी आती है, मैं इतना स्पेस लिया टेप से मेजर कर लेके 1 मीटर, तो इसमें कितने फीट आएंगे, तो ये जो क्या हो गया यार्ड का 1/3 पार्ट फीट हो गया, तो यहाँ पर भी आप यार्ड का 1/3 पार्ट फीट है, 1/3 यार्ड है फीट। अब यहाँ पर मीटर में क्या है मालूम है, मीटर में हम लोग 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, 3 फीट हो गया, उसके बाद भी हमें जगह बचती यहाँ पर कुछ लेंथ में, तो वो कितनी बचती, 0.28 फीट। तो इसका मतलब 1 मीटर कितना होगा, 1 + 1 + 1 + 0.28 मतलब 3.28 फीट हो गया 1 मीटर, मतलब तो 1 मीटर मतलब 3.28 फीट हो गया। तो अब फीट कितना हो गया, इतना इसका 1 मीटर का इतना पार्ट है 1 फीट, तो इतना पार्ट कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1/3 पार्ट था तो 1/3 आ गया, यहाँ पर इतना पार्ट मतलब 1/3.28 करिए आप तो 0.3048 है मीटर, तो 1 फीट कितना होगा 0.3048 मीटर है, और 1/3 यार्ड है, आप यहाँ पर 0.33 यार्ड भी बोलिए, ये लेंथ वाला यूनिट है, 1/3 मतलब 0.33 होता, तो 1 फीट इज इक्वल टू 0.33 यार्ड इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। तो ये हमारे कुल लेंथ यहाँ पर इससे क्लियर है। तो अब एरिया कन्वर्जन हम देखेंगे, एरिया में क्या है मालूम है कन्वर्जन, 1 स्क्वायर फीट मतलब 1 फीट स्क्वायर, ये एक बॉक्स है ऐसे में 1 फीट है, ऐसे में 1 फीट है, तो ये कितना होगा 1 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1 स्क्वायर फीट क्या होता है, 1/9 ऑफ स्क्वायर यार्ड। अब ये 1/9 कहीं को होता, यहाँ पर 3/2 होता है क्योंकि एरिया 1 × 1 ना, तो अब यहाँ पर देखिए, अब सपोज है ना, ये है ना 1 स्क्वायर यार्ड समझ लीजिए, ये यहाँ पर 1 यार्ड ऐसे में है, 1 यार्ड ऐसे में है, ठीक है, 1 यार्ड में कितने फीट थे, 3 फीट थे, तो यहाँ कित ये 1 यार्ड था ना, है तो यहाँ पर देखिए, और एक बार उतार लीजिए, ये 1 यार्ड हो गया, ये भी 1 यार्ड हो गया, ठीक है, तो इसका क्या हो गया 1 स्क्वायर यार्ड आ गया ना हमको। अब 1 स्क्वायर यार्ड को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, फीट्स में, तो 1 यार्ड में कितने थे, 3 थे फीट्स, तो आप ऐसा लाइन डाल लीजिए, तो देखिए 1 फीट 2 फीट 3 फीट, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये 1 स्क्वायर यार्ड में, तो 3/3 मतलब 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो आपको एरिया यूनिट जब कभी भी कन्वर्ट करना है, अब सपोज आपको फीट से यार्ड में करना है, ठीक है, फीट से यार्ड में करना है, तो × 9 करना पड़ेगा, वो कन्वर्जन और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस ये बताने का मकसद ये है कि आप ये थोड़ा मेमोराइज कर लो, मेमोराइज कर दो तो या एक पेपर पर लिख लीजिए, 1 स्क्वायर फीट जो है 1/9 स्क्वायर यार्ड हो गया, और 1 मीटर स्क्वायर 10.76, 10.76 कैसा होता है, 3.28 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.28 स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 यार्ड जो है 9 फीट के बराबर होता, ठीक है, 1 यार्ड स्क्वायर जो है 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता। अभी इसके बाद आपको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बस आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए। तो इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, इसके बाद के एग्जाम्पल में आप देखिए, लेंथ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अब यहाँ पर आपको 150 फीट दे दिए, ठीक है, कन्वर्ट 150 फीट इंटू यार्ड्स में कन्वर्ट करो बोल के बोले, लेंथ में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 150, अब आपको देखिए ये छोटा सा बॉक्स है, स्मॉल यूनिट से आपको बिग यूनिट, मतलब सबसे स्मॉल क्या हो गया हमारे पास, फीट सबसे स्मॉल है, फीट के बाद बड़ा यार्ड है, ठीक है, अब यहाँ पर भी फीट के बाद मीटर आता हमको, तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला है, फीट से आपको यार्ड में कन्वर्ट करना है, तो फीट स्मॉल यूनिट है, बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़े, 1 फीट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ यार्ड पढ़े ना हम लोग, देखिए 150/3 यार्ड हो गया, तो ये क्या हो गया 50 यार्ड्स आ गया, ये सिर्फ लेंथ की बात है, ठीक है, ये ऐसे डिस्टेंस की बात है ये। अब कन्वर्ट 150 फीट्स इनटू मीटर, फीट को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आपको, बड़े यूनिट को, ये छोटे यूनिट को आपको बड़ा बनाना है, स्मॉल टू बिग करना है, तो आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3.28 से, 1 मीटर कितना था, 3.28 था, तो 3.28 से डिवाइड करें, 45.73 आया, ओके फिर उसके बाद कन्वर्ट 300 मीटर को आपको फीट में करना है, मतलब 300 मीटर मतलब मीटर बड़ा यूनिट है और फीट छोटा यूनिट है, ठीक है, मीटर इतना बड़ा है और फीट इतना छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिग से जब हम स्मॉल करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 × 3.28 कहीं को आया 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट, ओके 984 फीट आ गया यहाँ पर अपने को। उसके बाद कन्वर्ट 60 यार्ड × फीट, अब यार्ड बड़ा है फीट छोटा है, बड़े से हमें छोटे को जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका 3 है, 60 × 3 180 फीट। अब ये 3 कैसा आया बोले तो, इससे पहले जो मैं आपको समझाया था यहाँ पर 1 फीट क्या हो गया 1/3 यार्ड, तो 1 यार्ड क्या हो जाएगा, 3 को इधर भेजिए आप, ऐसा भी समझिए या फिर आप मेमोराइज कर लीजिए ये फिगर को देख कर, ठीक है,
1 yard इज इक्वल्स टू 3 feet से आप मेमोराइज कर लीजिए. ओके, जब आपको फीट होना है तो 3 को उधर भिजा दीजिए, 1/3 yard इज इक्वल्स टू फीट हो जाएगा. ओके, फिर मीटर में भी उसी तरह से देखिए, यहाँ पर 1 meter इज इक्वल्स टू 3.28 feet हो गया. अब इसके बाद आपको फीट होना है, फीट होना है तो 1/3.28 कर लीजिए, क्या होता 0.3048 meter. 1 feet जो है 0.3048 meter है. ये तो आपको मेमोराइज करना ही करना है किसी भी तरह से, और थोड़ा एग्जांपल देखने के बाद मेमोराइज भी हो जाएगा आपको. तो ये 180 फीट आ गया. तो ये लेंथ के एग्जांपल्स है यहाँ पर. उसके बाद के जो एग्जांपल्स है मैं एरिया के लिया हूँ. यहाँ पर एरिया के एग्जांपल्स में आप देखिए, अब आपको कोई बोल दिए कि इतने स्क्वायर फीट एरिया है, वो कोई एरिया है, इतने स्क्वायर फीट एरिया है, 1800 स्क्वायर फीट एरिया है, और आपको गज़ में कन्वर्ट करो बोले, तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है, 1800 स्क्वायर फीट बाई 9 करना पड़ेगा. कोई भी इतना याद रख लीजिए, आपको फीट को जब कभी भी गज़ में कन्वर्ट करना है आपको डिवाइड बाई 9 करना है. तो डिवाइड बाई 9 करें, आपको 200 स्क्वायर यार्ड आ गया. और ये 9 कैसे आया, इससे पहले के पेज में बताया आपको मैं. फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या करें, छोटे से बड़ा करें, स्मॉल टू बिग करें, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट करना चाहे हम तो डिवाइड करना है, तो क्या करें, डिवाइड ही करें. फिर उसके बाद कन्वर्ट स्क्वायर फीट इंटू स्क्वायर मीटर है, छोटे से बड़ा जाना है तो डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है, 10.76 से. 10.76 कैसा आया था हमको, हम लोग यहाँ पर देखे 10.76 1 meter स्क्वायर. फिर उसके बाद कन्वर्जेंस, अब यहाँ पर मैं आपको बड़े से छोटा करने के लिए बोल रहा हूँ. 100 meter स्क्वायर एरिया को आपको स्क्वायर फीट में करो बोले, कितने स्क्वायर फीट एरिया है 100 meter स्क्वायर, तो आपको क्या है, बिग से स्मॉल पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है. तो अब यहाँ पर इंटू 10.76 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो आगे आपको 1076 स्क्वायर फीट आ गया, इतने मीटर स्क्वायर ऐसा है. फिर उसके बाद कन्वर्ट आप 500 स्क्वायर यार्ड, मतलब 500 गज कितने स्क्वायर फीट होता, तो 500 गज जो है 500 इंटू 9 करना है आपको, तो ये कितना हो गया, 4500 स्क्वायर फीट हो गया. तो बिग टू स्मॉल कर रहे जब आप मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल टू बिग कर रहे जब आपको डिवाइड करना है. तो इसके बाद के पेपर में मैं आपको बताने वाला हूँ एकर के ताल्लुक से, लेकिन एक बार इतना यहाँ पर तक मैं जो बताया इसको आप है ना एक मरतबा रिवाइज कर लीजिए. आपको सिर्फ याद करने की चीज़ें ये है कि जब आपको कोई भी चीज़ स्क्वायर फीट में आपके पास है, ठीक है, उसको आपको यार्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप डिवाइड बाय 9 करिए. स्क्वायर फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 9 करिए. यहाँ पर देखिए, स्क्वायर फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना है, आप डिवाइडेड बाय 9 करना है. ओके, अब उसके बाद स्क्वायर फीट को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. स्क्वायर फीट को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये यार्ड स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर फीट को आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको किससे डिवाइड करना है, 10.76 से. यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेशन में, सिर्फ समरी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. अब ये 10.76 कैसा आया, यहाँ पर आप देखिए 10.76 कैसा है, यहाँ पर देखे थे आप, ये फीट के एग्जाम्पल से देखे थे, ठीक है. 10.6 मतलब 3.28 का स्क्वायर आया. सो 10.76, इतना याद रखिए कि स्क्वायर फीट में आपका एरिया है, यार्ड में मतलब या गज में आपको कन्वर्ट करना है, वो एरिया को बाई 9 से करिए, और स्क्वायर फीट को आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो 10.76 से करिए, आपको ये आ जाएगा. तो अब इसके बाद ये कन्वर्जन से आप स्क्रीनशॉट्स भी लेकर ये वालों को शॉर्ट नोट बनाकर थोड़ा मेमोराइज करिए, उसके बाद खुद ब खुद आ जाएगा. अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए फीट के रिलेशन में हम देखेंगे, एक फीट में जो है 12 इंच रहते हैं, मैंने जैसा कि आपको टेप में बताया, और एक बार भी आप देख लीजिए, एक फीट में जो है 12 इंच, देखिए या 11 या 12, 12 पे है ना 1 feet हो जाएगा, तो एक फीट में 12 इंच है. तो एक इंच कितने फीट का है, ठीक है, एक इंच कितने फीट का हो गया, तो मतलब आप क्या करेंगे कि 1/12 करेंगे. 1/12 किस तरह से करेंगे कि आपके पास एक चॉकलेट है और आपको 12 लोग में बांटना है एक ही चॉकलेट, तो सबको कितने कितनी है, लाजमी है कि सबको एक एक तो नहीं आएगी, एक ही चॉकलेट है लेकिन 12 लोग में बांटना है. एक फीट है आपके पास लेकिन 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है एक फीट को, तो एक फीट कितने, एक इंच कितने फीट हो गया, 1/12 करें तो 0.083. ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हर इसमें आपको काम को आएगा. तो एक इंच जो है 0.083 फीट होता है,
ये चीज़ आप याद रख लीजिए, 1 inch इज इक्वल्स टू 0.083 feet, और इंच का सिंबल ऐसा देंगे हम। अब सपोज 26 inch बोल रहे हैं आपको कोई, तो ऐसा देते, इंच के मतलब दो आते ऊपर। फिर उसके बाद और एग्जांपल इसके ऊपर देखेंगे, अब कोई लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, आपको बोले कि 10 feet 6 inch है, मतलब 10 feet 6 inches है। तो यहाँ पर पहले 10 feet तो आपको क्लियर है 10 feet, लेकिन ये 6 inch को मतलब आपको प्योरली फीट में लिखना है, तो आप ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 inch कितना होता, तो 1 inch कितना हुआ था 0.083, तो 0.083 इंटू 6 करिए आप, तो ये आपको जो आंसर इसका आ जाएगा 0.498 जो आंसर आ गया वो फीट में आएगा। तो 10 को वो ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 10.498, मतलब नियरली 10.50। और एक बार मैं आपको एग्जांपल लूँगा, यहाँ पर कोई एक लेंथ है, आपको बता दिए कि वो 11 feet 10 inches है, मतलब 11 feet 10 inch है, और आपको उसको कन्वर्ट करना है प्योरली फीट में। तो ये जो आपके ऊपर जो चेंज है, ये चेंज को पहले आप फीट में कर लीजिए। 10 इंच मतलब कितना होता है, 1 inch मतलब 0.083 फीट है, तो ये कितना हो गया, 10 into 0.083 करना है आपको, 10 inches से इसको फीट में कर लिया अपन, तो कितना होगा 0.83 आ गया। तो ठीक है, अब ये 10 को ही ऐड कर दीजिए, तो आप बोल सकेंगे कि 11 feet 10 inches की जो आपकी लेंथ थी उसको 11.83 feet, डायरेक्टली 0.83 feet बोलेंगे, 11.83 feet डायरेक्टली बोलेंगे आप। तो ये इससे है ना, आपको इंचेस और फीट्स का फ़र्क समझ आ गया, ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पर है ये एरिया, एकड़ की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये थोड़ा कन्वर्जन है, ये आपको मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि मेनली जो प्लॉटिंग्स होते हैं बड़े बड़े सिटी के बाहर, वो एकड़स में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 acre क्या होता है मालूम है, 4046.8 meter square होता है, 4046.8 meter square, मतलब मैं यहाँ पर आपको करेक्ट स्क्वेयर एरिया लेकर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये रेक्टेंगल में भी हो सकता। तो 4046.8 meter square मतलब ऐसे में लेंथ आपकी है 63.61 meter और ऐसे में है 63.61 meter। तो जब आपको ऐसे में लेंथ 63.61 meter और ब्रेथ भी 63.61 meter रहेगी, तो वो 1 acre होगा। 1 acre में कितने मीटर स्क्वायर होते, मीटर स्क्वायर मतलब ये बॉक्सेस छोटे छोटे, ऐसा 1 meter square के बॉक्सेस अगर लेंगे तो 4046 point, मतलब 4046.8 meter square होगा। फिर उसको आप और छोटे इसमें मतलब यार्ड में कन्वर्ट करेंगे, गज़ में, तो 1 acre में 4840 गज रहते, तो 4840 गज का जो है आपको 1 acre होता है, ठीक है। अगर आपको एकड़ का, सपोज आपको कोई गज का वहाँ पर रेट बताए और आपको वो एकड़ में करना है, कि क्या अगर कोई एकड़ का बताए आपको गज में कितना पड़ रहा है, समझेंगे, आपको कोई बता दिए कि 10 lakh rupees acre में पड़ रहा, 10 lakh rupees acre में पड़ रहा, तो आपको गज कितना, कैसा गज पड़ रहा आपको रेट मालूम करना है, तो ये 10 lakh rupees में पड़ रहा ना आपको, तो 1 gaz का रेट आपको होना है, तो 4840 से कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आता तो आपको गज का रेट आ जाता, कितने रुपए गज पड़ रहा आपको वो ज़मीन, आपको कितने रुपए गज में मिल रही है। उसके बाद और छोटा करेंगे गज का जो है, ऐसे में ये तो यार्ड्स हम लोग मेजर के लिए नहीं यूज़ करते, एरिया के लिए यूज़ करते, 69.57 by 69.57 यार्ड का एरिया रहा तो वो 4840 गज होता। उसके बाद जो है फीट की बात है, फीट मतलब फीट स्क्वायर में क्या कैसा करते, 1 acre जो है 43,560 feet होता, 43560 फीट स्क्वायर होता ये। तो अब ये कैसा होगा कि लेंथ उसकी 208.7, ये जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में भी हो सकती है, मैं स्क्वायर में समझा रहा हूँ आपको, तो इस तरह से है। तो मेनली आप इसमें गज़ याद रख लीजिए, 1 acre में 4840 गज होते हैं। तो होप यहाँ से आपको पूरी तरह कन्वर्जेंस क्लियर है कि हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं, और आगे चलकर हम लोग जो पार्ट 3 है, जहाँ से रेगुलर लैंड मेजर करने वाले हैं, रेगुलर मतलब ये देखिए रेगुलर लैंड है ये, उसके बाद इरेगुलर लैंड मेजर करने वाले, इरेगुलर लैंड्स का एरिया कैसे मेजर करना है, फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी है, ये वाले कॉम्प्लिकेटेड शेप, इनको कैसा मेजर करें, तो चलिए आगे के वीडियो में वो देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप चैनल पर नए भी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाह रहे तो मुझे मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।